अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान क्योंकि इंडिया का नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉबा अब जम्मू में नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडिया जॉब जड्डा एडमिशन ओपन हेलो एंड वेलकम टू जॉब जड्डा बेटा इससे पहले एपिसोड में हमने इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया था और अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आगे यानी कि रो, रोडवेज हमने पढ़ा है अब हम पढ़ेंगे इंडिया के रेलवेज तो ये थोड़ा हम बड़े मुश्किल टॉपिक से गुजर रहे हैं मुश्किल तो नहीं कहूँगा मतलब बोरिंग टॉपिक से गुजरे हैं तो इसलिए आपको शायद बोरिंग लग रही होगी बट जैसे ये टॉपिक खत्म होगा हम ठुमका मार के आपको पढ़ाएंगे बढ़िया अंदाज में स्वाद आ जाएगा आप लोगे वाह गुरुजी वाह का स्वाद दिला दिए हो बढ़िया अंदाज में वाह का ठुमका मारे हो आप ऐसे बोलोगे तो अभी आप भी घर पे ठुमका मारो मगर एक बात पेरेंट्स के सामने मत मारी होगा नहीं तो मत पेरेंट लम्बा लम्बा लटाएंगे आपको तो हमें भी लम्बा लम्बा लटवाओगे चलो तो मारो कमरा बंद करो और ठुमका मारो वहाँ पे देखो आज हम पढ़ेंगे इंडिया में रेलवे सिस्टम इन इंडिया तो बेटा अगर मैं बात करूं रेलवे की 1853 में इंडिया में पहली रेलवे लाइन स्टैब्लिश करी गई क्या 16 मई सॉरी अप्रैल 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया क्या एक बार फिर से 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलवे लाइन स्टैब्लिश करी गई कहां पे इंडिया में यह रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने तक चौतीस किलोमीटर की रेलवे लाइन थी बताइए इंडिया में पहली रेलवे लाइन कब स्टैब्लिश करी गई 16 अप्रैल 1853 फिफ्टी थ्री कहां से कहां तक बॉम्बे टू थाने मगर अगर हम बात करें इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में तो इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन फेबरवरी 1925 में कब फेबरवरी 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे से हारबोर तक ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन ये मैं बात कर रहा हूं इंडिया में पहली रेलवे यह मैं बात कर रहा हूं इंडिया में पहली बिजली वाली ट्रेन इतनी बातें पता चल गई आपको उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे लाइन इज डिवाइडेड इनटू इंडिया में रेलवे लाइन को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अगर रेलवे की लाइन की विड्स 0.762 मीटर हो इसको हम बोलेंगे नैरो गेज। क्या बोलेंगे इसको हम नैरो गेज। अगर इसकी विड्स एक मीटर हो इसको हम बोलेंगे मीटर गेज ये क्या हो गई मीटर गेज ये क्या हो गई मीटर गेज अगर 1.762 मीटर हो इसको हम बोलेंगे ब्रॉड गेज तो बेटा इंडिया में तीन मेजर कैटागरीज की रेलवे हैं अगर हम बात करें 0.762 की इसको बोला जाता नैरो गेज एक मीटर की बोला जाता मीटर गेज 1.76 676 को बोलते गेज और 1992 में एक प्रोजेक्ट लाया गया उस प्रोजेक्ट के मुताबिक इंडिया में सारी रेलवेज को मिला के ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करना चाहा इसको बोलते यूनी गेज प्रोजेक्ट बताइए गेज प्रोजेक्ट कब आया प्रोजेक्ट 1992 में इसके मुताबिक इन सब को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना चाहा क्योंकि नैरो गेज और मीटर गेज में जरा प्रॉब्लम आती थी इंडिया की रेलवे में और आगे अगर हम बात करें पूरी दुनिया का क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है साइबेरियन लाइन क्या साइबेरियन लाइन रशिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन है ये मास्क को ब्ला किसके कनेक्ट करती है? ब्लाडीवास्तक क्या मास्क्यू को ब्लाडीवास्तक तक कनेक्ट करती है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन जो है लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन कहां पे है रशिया में क्या बोलते हैं इसको ट्रांस साइबेरियन लाइन क्या बेटा एक बार जोश के साथ ठुमका मार के पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन कहां पे है ट्रांस साइबेरियन लाइन रशिया में जो कनेक्ट करता है मास्को को किसके साथ ब्लैडी वस्तक के साथ आगे अगर हम बात करें दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन पहले की बात देखो इंडिया दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ये लंबी रेलवे लाइन की बात है ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जहां पे गाड़ियां ट्रेनें रुकती हैं वो क्या है ग्रैंड टर्मिनल इन न्यूयॉर्क बताइए लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन वर्ल्ड इज ग्रैंड टर्मिनल क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैं बात कर रहा हूं रेलवे स्टेशन की पहले किसकी बात करी बेटा रेलवे लाइन की अब किसकी बात हो रही रेलवे स्टेशन की कहां पे है ये ग्रेड टर्मिनल और कहा न्यूयॉर्क में स्वाद आ रहा के नहीं आ रहा एक बार कमेंट वीडियो को रोक दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए बोलो वाह मास्टर जी वाह स्वाद आ रहा जिंदगी का आ रहा कि नहीं आ रहा चलो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन अब हम बात कर रहे हैं इंडिया का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है आपके जेन में आ रहा गोरखपुर बेटा गोरखपुर नहीं गोरखपुर पता क्या है प्लेटफॉर्म है गोरखपुर क्या है प्लेटफॉर्म और हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन की इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है हावड़ा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया इज हावड़ा बट सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर गोरखपुर कहां पे है यूपी में ठीक है पिछली वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे सब बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिए हैं अगर हम बात करें सबसे लंबा रेल रोड इन इंडिया इंडिया में सबसे लंबा रेल रूट कहां पे है देखिए बेटा मैं यहां पे एक रफ सा मैप बना रहा हूं देखो यहां आसाम में एक जगह आती डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ से होता हुआ कन्याकुमारी तक क्या डिब्रूगढ़ से होता हुआ कन्याकुमारी तक इंडिया का सबसे लंबा रेल रूट है और यहां पे कौन सी ट्रेन चलती है बताओ मुझे कौन सी ट्रेन चलती है जो क्लास में बच्चे पढ़े हैं ऑफलाइन वाले वो बताओ पहले हाँ विवेक एक्सप्रेस इंडिया में सबसे लंबी ट्रेन जो चलती है कौन से रूट पे चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये डिब्रूगढ़ आसाम में लेके ये कन्याकुमारी तक इसका क्या नाम है विवेक एक्सप्रेस पता चल गया आपको विवेक एक्सप्रेस का आगे अब हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे अभी हम रेलवे जोन पढ़ेंगे बट रेलवे जोन से पहले हम क्या करेंगे कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे चार नवंबर दो हजार सोलह क्या क्या बात कर रहा हूं मैं चार नवंबर 2016। हजार चार नवंबर 2016। हजार रेलवे स्टेशन क्या माइसूर माइसूर है? कर्नाटका में माइसूरू रेलवे स्टेशन ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जो विजुअली इंपेर्ड फ्रेंडली है यानी कि जो बंदे देख नहीं सकते उनके लिए फ्रेंडली रेलवे स्टेशन बना दिया बताइए इंडिया का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो बिजली इंपेयर्ड के लिए विजुअली जो देख नहीं सकते उनके लिए फ्रेंडली है तो मायसूर रेलवे स्टेशन कब बना 4 नवंबर 2016। उसके बाद दिसंबर 2018 में पहली पैसेंजर ट्रेन जो कि ब्रॉडगेज पे चलेगी ब्रॉडगेज अभी मैंने बताया 1.676 मीटर इंडिया को नेपाल के साथ कनेक्ट करेगी एक बार फिर से 2018 के दिसंबर में पहली ब्रॉडगेज ट्रेन चलेगी जो इंडिया को नेपाल के साथ कनेक्ट करेगी इतनी बातें पता चल गई आपको उसके बाद ट्रेन 18 जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ट्रेन 18 का दूसरा नाम क्या है 2018 के जितने भी पेपर हुए उनमें पूछा गया है चलो बताइए व्हाट इज अदर नेम ऑफ ट्रेन 18? अदर नेम ऑफ ट्रेन 18? ट्रेन 18 का दूसरा नाम क्या है अब देखो ये जो ट्रेन 18 है ना ये पहली लोकोमोटिव लेस इंजिन लेस ट्रेन है जो डेवलप करी है पता किसने इन क्या है इन डाइजी अंग्रेजी में आतंक हाँ है हमारा ओ फंस गया था यहां पे तो इन डाइजियो नस्ली इन डाइजियो नस्ली का मतलब होता है जो खुद बनाई जाए किसी से हेल्प करके नहीं इंडिया के खुद और यह खुद पता कहां बनी है एक कोच फैक्ट्री है यह कोच फैक्ट्री चेन्नई में है कहां पे है चेन्नई में तो बताइए इंडिया की कौन सी पहली ऐसी ट्रेन है जो चेन्नई की फैक्ट्री ने खुद डेवलप करी है किसी से हेल्प नहीं ली इंडिया में पहली ऐसी ट्रेन ट्रेन एटीन आपको कमेंट करके बताना है इसका दूसरा नाम क्या है और रेल विकास निगम लिमिटेड अब मैं आपको बताऊं रेल विगा विकास निगम लिमिटेड पता क्या है ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो इंडियन रेलवे में एम्प्लाईज हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है तो इस स्पेशल पर्पस वहीकल क्रिएट क्रिएटेड बाई क्रिएटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिए टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इंडियन रेलवे एम्प्लाइज और इंडिया का रेलवे दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे सिस्टम है रेल विकास निगम लिमिटेड स्पेशल पर्पज व्हीकल क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल क्रिएट करी है जिसमें वो ट्रेनिंग देते हैं इंडियन रेलवे तो क्या नाम है उसका रेल विकास निगम लिमिटेड पता चल गया आपको उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको बोलते प्रोजेक्ट सक्षम क्या बोलते इसको प्रोजेक्ट सक्षम बेटा इस प्रोजेक्ट सेक्शन में क्या है इस प्रोजेक्ट सेक्शन में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंडियन रेलवे इंप्लाइज पहले वाला भी देख लेते हैं एक बार फिर से देखो वि रेल विकास निगम लिमिटेड स्पेशल पर्पस वहीकल क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह भी ट्रेनिंग के लिए और यहां पे यह एक प्रोजेक्ट है इन दोनों में क्या फर्क है ये वाली एक वहीकल है और यह क्या है ये, क्या है? ये एक प्रोग्राम है प्रोजेक्ट सक्षम इज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंडियन रेलवे इंप्लाइज इंडिया के जो रेलवे के इंप्लाइज हैं उनके लिए अब आप हेडिंग डालो इंडिया में रेलवे जोन इंडिया के रेलवे जोन बेटा अगर हम देखें इंडिया में रेलवे जोन को अठारह यानी के इंडिया के टोटल कितने रेलवे जोन हैं अठारह रेलवे जोन अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो पुरानी किताबों में मैंशन है देर आर सेवनटीन रेलवे जोन इन इंडिया मगर एक रिसेंटली बना है तो टोटल हो गए हैं अठारह तो हमें याद रखना है इनके हेडक्वार्टर ये आ गया जनाब नॉर्थ ये आ गया जनाब चलो ये आ गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताइए नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पेपर में पूछेगा नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है न्यू दिल्ली में वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है मुंबई वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है मुंबई हो गया उसके बाद सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है चेन्नई ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है कोलकाता तो अभी हमने कितने हेडक्वार्टर पढ़ लिए चार नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कहां पे है मुंबई सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है चेन्नई ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है कोलकाता में इतनी बातें पता चल गई आपको अब उसके बाद ये वाला क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट ये वाला क्या हो गया ये हो गया नॉर्थ वेस्ट ये क्या हो गया ये हो गया साउथ वेस्ट ये क्या हो गया साउथ ईस्ट अब अगर कभी पेपर में आएगा बताइए नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है तो नॉर्दन ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है गोरखपुर में नॉर्दन ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है गोरखपुर में नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है गोरखपुर में उसके बाद नॉर्दन वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है जयपुर में कहां पे जयपुर में साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है यह एक जगह आती हुबली एच यू बी एल आई ये वो वाला हुगली नहीं है यह हुबली है और हुबली कहां पे आता है यहां लिख दो खुद ही कर्नाटका में हुबली कहां आता कर्नाटका में और साउथ ईस्ट का हेडक्वार्टर कहां आता है विलासपुर विलासपुर कहां पे है कोलकाता में तो बेटा आज हमने ये रेलवे के फैक्ट पड़े और आधा बहुत कम रेलवे के ये जोन पड़े बताइए नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली साउथ ईस्ट का हेडक्वार्टर विलासपुर कोलकाता में इतनी बातें पता चल गई ये हमने कुछ एक रेलवे हेडक्वार्टर पढ़े हैं अभी हमें अठारह पढ़ने हैं आज का एपिसोड इतना ही और मैं आपके लिए खुशखबरी दूं, आपने मेरे से कंप्यूटर पढ़ा था ना जिन जिन बच्चों ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के तीस में से तीस मार्क्स लिए हैं उनको याद है मेरी वो वीडियोस? अब उस वक्त वो मेरी वीडियोस किसी दूसरे प्लेटफार्म पे थी और अब उस प्लेटफॉर्म ने मेरी वीडियोस रिमूव कर दी थी मुझे बड़ा अच्छा लगा और अब वही प्लेटफॉर्म आवाज बदल कर मेरी वीडियोस डाल रहा है मैं आज इस माध्यम से आपको बता दूं बेटा वो वीडियोस का कंटेंट पुराना हो चुका है वो था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का ये है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लेवल बड़ा हाई है कल से आपको मेरी कंप्यूटर की वीडियोस दिखेंगी जिसपे मैं खुद पढ़ाऊँगा और मैं आज जॉब जड्डा के प्लेटफॉर्म से आपसे वादा करता हूँ बेटा ऐसा बढ़िया कंप्यूटर पढ़ेंगे ऐसा बढ़िया कंप्यूटर पढ़ेंगे धापड़ तोड़ बैटिंग की जाएगी आप बोलोगे वाह माश जी स्वाद आ गया जिंदगी का और हर दिन वीडियो आएगी मैं पहले ही लिख के लाऊंगा जिससे मैं कम टाइम पे ज्यादा पढ़ा दूं और आपको पीडीएफ भी मिलेगी उसके अलावा मेरी कंप्यूटर की बुक आ चुकी है आप वो बुक भी ले सकते हो तैयार रहो अब दापड़ तोड़ कंप्यूटर पढ़ने के लिए ऐसा कंप्यूटर जम्मू कश्मीर की तारीख में पहले भी मैंने रिकॉर्ड बनाया है तीस में से तीस नंबरों का और इस बार फिर से आप बच्चे तीस में से बीस में से भी, आप तो बीस नंबर का है बीस में से बीस नंबर का रिकॉर्ड बनाएंगे तैयार रहिए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कौन कौन, कौन 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 लाइक करेगा इस बार कंप्यूटर की वीडियो को और कंप्यूटर की नंबर शायद इस बार दस कर कर दिए गए हैं बड़ा कम कर दिया है बहुत ना इंसाफी कर रहे हैं गब्बर हमारे साथ मगर चाहे दस नंबर का हो बीस नंबर का हो जितने मर्जी नंबर का हो आपको हम कंप्यूटर की दुनिया का दुरंधर बना के छोड़ेंगे आज का एपिसोड इतना ही अगले एपिसोड के लिए ले लो एक कंप्यूटर की किताब लिख लो कंप्यूटर बाय आशिक लोन फ्रॉम जॉब जड्डा आज का एपिसोड इतना ही थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू